हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एफएलओ ट्रैवलर का एक्सप्लेनेशन। तो देखिए, मैंने एफएलओ ट्रैवलर के एक्सप्लेनेशन के लिए जो पैराग्राफ पिक किया है, आई डू नॉट नो विच ऑफ अस गॉट इनटू द कैरिज फर्स्ट, इंडीड आई डिड नॉट से लेकर के आई वाज अलोन तक लिया है। ये आप बुक से देख लीजिएगा। अब मैं बात करता हूँ रेफरेंस। सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते समय क्या लिखेंगे, रेफरेंस। रेफरेंस में हमें लिखना होता है कि ये जो पैराग्राफ लिया गया है, जो लाइनें ली गई हैं, ये किस चैप्टर से ली गई हैं। तो हमने लिखा, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन ए फेलो ट्रैवलर रिटन बाई ए जी गार्डिनर, कि ये लाइनें ए फेलो ट्रैवलर चैप्टर से ली गई हैं और इसे ए जी गार्डिनर ने लिखा है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं हम प्रसंग। प्रसंग का मतलब मैं आपको बड़े सिंपल तरीके से बताता हूँ, यानी देहाती वाले एक एग्जांपल से, कि पुराने समय में लोग बाग रागनी सुना करते थे। तो रागनी जिस किस्से से होती थी और उस रागनी में क्या बताने वाला है वो कवि, ये वहाँ पर बोला जाता था जो गायक रागनी गाता था। तो यही होता है प्रसंग, कि इस पैराग्राफ में क्या बताने वाला है यहाँ पर आपको ये राइटर। तो इन दीज लाइन्स ए जी गार्डनर एक्सप्लेन्स अबाउट द ट्रेन इन विच ही वाज ट्रेवलिंग। इस पैराग्राफ में उस ट्रेन के बारे में बताया गया है जिसमें ए जी गार्डनर ट्रेवलिंग कर रहे थे। अब बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की। तो इन दिस पैराग्राफ द ऑथर इज ट्रेवलिंग बाय द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंदन, जो लंदन से लास्ट ट्रेन चलती थी, इस पैराग्राफ में ऑथर उस ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं। एंड ही डिड नॉट नो, और उन्हें नहीं पता कि हु एंटर्ड इन टू द कैरेज फर्स्ट, उन्हें ये भी नहीं पता कि डब्बे में पहले कौन आया, वेदर इट इज़ हिम या वो आए और हिज फेलो ट्रैवलर या उनका सहयात्री। फॉर सम टाइम ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ हिम हिज फेलो ट्रैवलर, यानी कह रहे हैं फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए ही वॉज नॉट अवेयर, उनको ये पता भी नहीं था किसके बारे में, अपने फेलो ट्रैवलर के बारे में। कह रहे हैं ही वाज, वह था इन ए स्टॉपिंग ट्रेन, वह एक ऐसी ट्रेन में था रुकने वाली ट्रेन में जो रुक रुक करके चल रही थी, डेट वाज कम्प्लीटली फुल, और वो जो कि पूरी तरह से भरी हुई भी थी। वो कैसी ट्रेन में था जो कम्प्लीटली भरी हुई थी और रुक रुक करके चल रही थी। द राइटर वाज द ओनली वन हु वाज स्टिल एलोन आफ्टर रीचिंग सम स्टेशंस, कह रहे हैं राइटर बिल्कुल अकेला था, ओनली वन अकेला ही था, हु वॉज स्टिल अलोन, जो अभी भी अकेला था आफ्टर रीचिंग सम स्टेशंस, यानी कुछ स्टेशंस पर पहुँचने के बाद। ही थॉट, उसने सोचा ही वॉज अलोन, लेकिन राइटर ने क्या सोचा था कि वो अकेला था, बट लेकिन द फैक्ट वॉज, लेकिन ये सच था कि ही वॉज नॉट अलोन, कि वो अकेला नहीं था, लेकिन सच क्या था कि वो अकेला नहीं था। देयर वॉज एन अनदर क्रिएचर, वहाँ एक और भी प्राणी था, दैट इज कॉल्ड, जिसे कहा गया है फेलो ट्रैवलर, फेलो ट्रैवलर जिस यानी सहयात्री, नेम्ड, उसका नाम क्या है, मॉस्किटो, उसका नाम क्या है, मॉस्किटो। अब हम इसके बाद में एल बी, ये पॉइंट मैंने शायद पहली एक्सप्लेनेशन में शायद ना कराया हो, तो आप लोग उसको ऐड कर लीजिएगा। एल बी का मतलब होता है लिटरेरी ब्यूटी, यानी साहित्यिक सौंदर्य। यहाँ आपको जो राइटर ने लिखा है उसकी जो कैसा साहित्य है, क्या अच्छा है वो, या उसमें कोई कमी है, यानी कुल मिला के कमी आपको बतानी नहीं है, आपको प्रेज करनी, प्रशंसा करनी है, ताकि एग्जामिनर को अच्छा लगे और वो आपको मार्क्स दे सके। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, द लैंग्वेज इज सिंपल एंड प्रेज वर्दी, द लैंग्वेज इज सिंपल एंड प्रेज वर्दी। हमें क्या बोलना है कि लैंग्वेज, भाषा जो है वो बहुत ही साधारण है और प्रेज वर्दी, प्रशंसनीय है। जो भाषा है वो सिंपल और प्रेज वर्दी है, प्रशंसनीय है। हमें किसी भी राइटर की कोई बुराई नहीं करनी है, क्योंकि हमें एग्जामिनर से मार्क्स लेने हैं, तो इसलिए हमें उनकी प्रशंसा करनी होगी। ये एल बी जो है लिटरेरी ब्यूटी, अगर मैंने इससे पहले एक्सप्लेनेशन में नहीं कराया है तो आप उसको नोट कर लें, ठीक है।